सिद्धानम नमो आयरियानम नमो उवध्यायानम नमो लोए सब्बसाहूनम एषो पंच नमोकारो सब्ब पाव प्रणासनो मंगलानम च सब्बेशिम पद्मम हव इमंगलम चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतम् धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मो मंगलमुक्तिर्थं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामनो च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धियो संति संति करे लोए पत्तो गयिमनुत्तरं देवदानव गंधब्बा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलं मंगलं मतिमान् भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचंद्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलं तेरा पंथोस्तु मंगलं विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुणी ओरख समरण किया सर अचिंत्या विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणी ओरख समरण किया सर अचिंत्या का विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणी ओरख समरण किया सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है। ओ जिनको बेला कोई कुछ पचकना हो उपवास बेला और सूर्योदय तक के नवाहरों का त्याग है। अष्ट प्रहरी पौषद की आलोयना पांच सामायिक छह प्रहरी की चार चतुष प्रहरी की तीन सामायिक बीच में कोई एकी के लिए तो बाथरूम के जाना पड़ा हो तो वैसे कोई लगा हो तो एक बार के लिए एक नवकार की माला कोई टॉयलेट का उपयोग करना कच्चा पानी वाल कुछ का तो एक बार के लिए एक सामायिक कोई सोलह पोरिया पोषा हो तो दस सामायिक चौबीस पोरिया किया हो तो पंद्रह सामायिक इस प्रकार ये पोषण की ओर की आलोचना की जा रही है।
बनते हैं। अब सभी अपना स्थान। बड़े प्रेम से मिल जुल सीखे मैत्री मंत्र महान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को करे प्रदान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को करे। परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में यह खमत खामना का कार्यक्रम इस मुंबई नंदन वन में तीर्थंकर समव शरण में प्रारंभ हो गया है और राज सिंह भी टीपीएफ की ओर से अपनी बात को यहाँ पर संक्षेप में प्रस्तुति देने पर उपस्थित। राज सिंह भी विमला जी कोठारी। तो पहले अमरचंद जी लुंकड़ जैन विश्व भारती की ओर से यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव आदि से खमत खामना करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। इनके बाद में बजरंग जी जैन तैयार हैं। बंती बंती समय इतना भरने हो गया। मैं सर्वप्रथम पूज्य आचार्य गौर सिंह महोदय काय सिंह ने जाने अनजाने कभी भी कोई अभिनय असाधा हुई हो तो कर समय इतना बताओ। आप करुणा के साथ रहें, आपके विशाल हृदय में हमें स्थान मिले, पद से प्राप्त हो यही कामना करता हूँ। मैं न केवल व्यक्ति से अपितु संपूर्ण जैन विश्व भारती परिवार की ओर से समय पारमार्थिक शिक्षण संस्था की ओर से बजरंग जी जैन। अमृतवाणी से रूपचंद जी दुगड़। हाँ हाँ अभी हाँ कर लें आप कर लें। विमला जी कोठारी तेरापन महिला मंडल। वंदे अरहम। आर्य प्रवर के इंगित की आराधना में साध्वी प्रमुखा से श्री प्रेरणा की अनुपालना में तेरापन महिला मंडल सदैव सजग रहती है। फिर भी अज्ञानतावश प्रमादवश हम बहनों द्वारा वर्ष भर में किंचित मात्र भी अविनय असाधना हुई हो तो दयापूज पूज्यवर ऋषि दया साध्वी प्रमुखा श्री जी और सभी चारित्र आत्माओं से करबद्ध खमत खामना करते हैं। समाशील करुणा निदान भगवान आप हम नारी शक्ति की भूलों को भूलकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का पथ प्रदान करावे। चातुर्मास व्यवस्था समिति एवं बम्बई की सभी संस्थाएं किसी तरह का कटु वचन कटु व्यवहार का प्रयोग हो गया हो तो धर्म संघ के प्रत्येक सदस्य से हम खमत खामना करते हैं। पुनः सभी से सविनय खमत खामना। रूपचंद जी दुगड़। इसके बाद में गौरव कोठारी। ज्ञान दर्शन चारित्र के महोदय जी
परम पूज्य आचार्य पर्वर के चरणों में भक्ति भव वंदना वंदना समस्त चरित्रों के चरणों में समस्त श्री महापर्व के अवसर पर गत वर्ष में हुई भूलों पर गलतियों पर प्रतिलेखन करते हुए हल्कापन महसूस कर रहा हूँ। मैं अपनी ओर से और अमृतवाणी के अध्यक्ष के होने के नाते जन जाने अनजाने में और दृष्टि की आराधना में कहीं कोई अव हो गया हो क्षमा याचना के इस क्षण में आप श्री से तीन कर्ण तीन योग से क्षमा खमत कामना करता हूँ। हमारे धर्म के साध्वी प्रमुख श्री विश्व विभाजी से व्यक्तिगत एवं संस्थागत जाने अनजाने कोई भूल चूक हुई तो क्षमा याचना करता हूँ। मुख्य मुनि परवर महावीर कुमार जी स्वामी के से जाने अनजाने में अभिनय साधना हुई तो बारंबार खमत कामना करता हूँ। साध्वी वरिया जी समुदय साजी प्रति कोई जाने अनजाने भूल चूक हुआ तो खमत कामना करता हूँ। हमारे धर्म संघ के अनेकों अनेक साधु साधियों से सेवा उपासना का काम पड़ा है उसमें कोई हमारे से हमारे परिवार से असाता अभिनय गोचरी पानी में असाता अभिनय हुआ तो खमत कामना करता हूँ। माननीय कुमार सुमन जी एवं योग भूत सभी पदाधिकारी नाम नहीं लेना क्या सुना करता हूँ। अब ध्यान रखते हैं वक्ता किसी आध्यात्मिक परिव्यक्ति का नाम नहीं लेना है। खैर अपन धर्म संघ के अनेकों वरिष्ठ श्रावकों आदि व्यवहार का काम पड़ा इसी के साथ मुंबई चातुर्मास में सेवा के संदर्भ में कार्यकर्ताओं से अधिकारियों से काम पड़ा है इसी में कोई भूल चूक तो बारम्बार खमत कामना करता हूँ। आने वाले वक्ता ध्यान देंगे आध्यात्मिक परि किसी संतों का सतियों का नाम नहीं लेना है। गौरव कोठारी प्रेक्षा इंटरनेशनल मंत्री परम पावन आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में सत सत वंदना। प्रेक्षा इंटरनेशनल परिवार की ओर से आचार्य श्री के चरणों में बारंबार खमत खामना करते हैं कोई अविनय असाधना हुई हो हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी पूरी टीम है उनके तरफ से आपसे बारंबार क्षमा याचना। साध्वी प्रमुखा श्री जी विष्णु विभा जी के चरणों में बारंबार खमत खामना हमसे कोई अविनय असाधना हुई हो तो उसके लिए बारंबार खमत खामना करते हैं। साध्वी वरिया जी के चरणों में बारंबार खमत खामना। मुख्य मुनि महावीर कुमार जी के चरणों में बारंबार खमत खामना। पूरे साधु परिवार समणी परिवार के ओर के चरणों में बारंबार खमत खामना करते हैं और पूरे श्रावक समाज से हमारे प्रेक्षा इंटरनेशनल परिवार की ओर से कोई भी अभिनय असाधना हुई हो तो उसके लिए बारंबार खमत खामना। ओम अरहम। नवरत्नमल जी गन्ना 13 प्रतिसभा मुंबई। केवल भंते से ही चालू करना है और संबोधन लिखा हुआ वो एक बार छोड़ देना। रोशनलाल जी मेहता तैयार बनते जय सितंबर 13 प्रतिसभा मुंबई। 13 मुंबई सभा मुंबई 7000 परिवार का प्रतिवेदन करती है। जिस प्रकार आपने मुंबई नगरी पर जो कृपा कराई है वह हमारे जीवन में अनमोल पल है। मुंबई प्रवास की घोषणा के बाद निरंतर आप श्री की अंगीत और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। अंगीत की आराधना करते हुए मुंबई समस्त समाज व हम सब पदाधिकारीगण से गलती हुई अंगीत को नहीं समझ सके तो भगवती समस्त श्री के पावन पर्व पर हम समस्त मुंबई कर आपके चरणों में बारंबार खमत कामना करते हैं। आप श्री के अंगीत और आशीर्वाद से मुंबई वासियों को निरंतर मिलता रहे। समस्त चरित आत्मा को चरणों में बारंबार खमत कामना। समस्त श्रावक समाज से भी मुंबई सभा परिवार और मेरी ओर से गन्ना परिवार की ओर से बारंबार खमत कामना बारंबार खमत कामना। अब अनुव्रत समिति की ओर से रोशनलाल जी मेहता। बनते पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटिश अभिवंदना। मैं अनुवत समिति मुंबई परिवार की ओर से पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में क्षमा याचना प्रेषित करता हूं और पूज्य गुरुदेव ने महती कृपा कर इस वर्ष अनुवत यात्रा का आगाज किया और हम पर जो कृपा बसाई उसके लिए मैं अनुवत परिवार की ओर से हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साध्वी प्रमुखा श्री जी विश्रुत विभा जी साध्वी वरिया जी आदि साध्वी परिवार को अनुवत परिवार की ओर से हार्दिक खमत कामना करता हूँ। मुख्य मुनि महावीर कुमार जी आदि संत परिवार को अनुवत परिवार की ओर से हार्दिक खमत कामना करता हूँ और हमारे आध्यात्मिक परिवेशक मुनि एवं मुनि सभी श्रावक समाज श्राविका समाज से भी अनुवत समिति मुंबई की ओर से जाने अनजाने में कोई भी अत्रुटि अभिनय असाधना हुई हो तो बारंबार हार्दिक क्षमा याचना करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। ओम अरहम। भोजनशाला व्यवस्था संयोजक महेंद्र जी तातेड़। बनते परम पावन परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में सब भक्ति वंदना। मैं भोजनशाला पूरी टीम की तरफ से परम पावन पूज्य पर्व से हार्दिक खमत कामना करता हूँ।
आपके इंगित को समझने में कोई हमसे भूल हुई हो, कोई असाधना हुई हो, कोई उच्चावच भाव आया हो तो बारंबार खमत कामना करता हूँ। साध्वी प्रमुखा श्री जी, मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वर्या जी और समस्त चरित्रात्माओं से भी मैं पूरी भोजनशाला टीम की तरफ से हार्दिक खमत कामना करता हूँ। आपके प्रति कोई अभिनय साधना हुई हो तो हम बारम्बार क्षमा याचना चाहते हैं। प्रवास व्यवस्था समिति के सभी पदाधिकारियों और अध्यक्ष महोदय से भी मैं बारम्बार खमत कामना करता हूँ। और हिंदुस्तान से और देश विदेश से और बम्बई से पधारे हुए समस्त श्रद्धालुगणों जो जिन्होंने भोजनशाला में आतिथ्य ग्रहण किया है, हमारी तरफ से पूरी टीम की तरफ से कोई अगर अभिनय साधना हुई हो, कोई गलती हुई हो तो मैं बारंबार खमत कामना करता हूँ। और मैं अपनी पूरी भोजनशाला की टीम से भी बारंबार खमत कामना करता हूँ। और गुरुदेव आपसे एक ही निवेदन है कि जो चरण स्पर्श का क्रम आपने महाराष्ट्र में बंद करवाया था, इसी महाराष्ट्र की धरती से और इसी तपोवन नंदनवन से आप वापस चालू करवाए, ये मेरी नहीं पूरे हिंदुस्तान के समग्र सर्वक समाज की यही प्रार्थना है। ओम अरम। अब राज सिंह भी टीपीएफ की ओर से। बंते, मेरे पूर्व सभी वक्ताओं की खमत कामना की भावनाओं को अपने शब्दों में समाहित करते हुए तेरापन प्रोफेशनल फोरम की ओर से गुरुदेव हम आपसे क्षमा याचना करते हैं, साध्वी प्रमुखा जी से क्षमा याचना करते हैं, सभी साधु संतों से क्षमा याचना करते हैं और सभी श्रावक श्राविका धर्म संघ संस्थाओं से सभी सम क्षमा याचना करते हैं। ओम हरम। आवास व्यवस्था संयोजक संदीप कोठारी। बंते, परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि से वंदन। पूज्य प्रवर, आवास व्यवस्था के कार्य में या किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य में जो कोई हमसे भूल हुई हो तो हम करबद्ध क्षमा याचना करते हैं। पूज्य प्रवर, आपके चरणों में बारंबार हृदय की अनंत गहराइयों से किसी प्रकार जाने अनजाने में कोई भी भूल हुई हो तो मैं अपनी ओर से संपूर्ण आवास टीम की ओर से बारंबार खमत कामना करता हूँ। साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में खमत कामना करता हूँ, मुख्य मुनि प्रवर के चरणों में खमत कामना, समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में खमत कामना एवं श्रावक श्राविका समाज से आवास टीम की ओर से किसी भी प्रकार जाने अनजाने में ज्ञात अज्ञात कोई भी भूल हुई हो तो बारंबार खमत कामना। ओम अर। आतरिषि महाश्रवण चतुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष मदन लाल जी काते हैं, वे थोड़ा सा ज्यादा समय ले भी तो भी दिक्कत नहीं। परम पूज्य, परम पावन, परम वंदनीय, परम श्रद्धास्पद तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य पर्व के चरणों मेरा भाव भरा वंदन। आस्वाद साध्वी श्री प्रमुखा श्री जी, मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वर्या जी एवं समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरी अभिवंदना। समणी जी को वंदामी, नमन स्वामी। भगवती परिभूषण महाप्रवर की आराधना में उपस्थित सब भाइयों बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज का यह क्षमा अपना पावन पर्व भगवती संस्तरी का सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र क्षमा याचना का पर्व दिवस है। मैं सर्वप्रथम पूज्य आचार्य प्रवर से विगत वर्ष में मेरे द्वारा मेरे मन वचन काय से आप श्री से अभिनय साधना हुई हो, आपके इंगित की आराधना नहीं कर पाए हो तो गुरुदेव मैं अपने अंतःकरण से आपसे मन वचन काय से क्षमा याचना करता हूँ। गुरुदेव आप महान हैं, आप हमें अवश्य क्षमा प्रदान करेंगे। इसी क्रम में साध्वी प्रमुखा श्री विशुद्ध विभा जी, मुख्य मुनि श्री महावीर कुमार जी, साध्वी वर्या जी, शंभू देशा जी एवं समस्त चारित्र आत्माओं एवं श्रवणी मंदिर से इस पवित्र अवसर मन वचन काय से आपकी अभिनय साधना हुई हो तो आपके इंगित को न समझ पाए हो तो आपसे सरल हृदय से अनंत गहराई से क्षमा याचना करता हूँ। आप सभी में क्षमा प्रदान करेंगे। विगत गत वर्ष में समाज के सभी भाइयों बहनों से विशेषतः समाज के सभी कार्यकर्ताओं से इस नंदन परिसर को सजाने संवारने में का विशेष काम पड़ा है, उन सभी को उलाधना देने का भी काम पड़ा है। मेरे द्वारा आपके हृदय को ठेस लगी हो तो आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। चूँकि इस अवसर तेरापंथी सभा के अध्यक्ष परमाश्वर के अध्यक्ष के नाते समाज की विभिन्न संस्थाओं तेरापंथी सभा, तेरापंथी युवक परिषद, महिला मंडल की सभी बहनें, तेरापन प्रोफेशनल फोरम, अनवर समिति के सभी कार्यक्रमों से मैंने विशेष सहयोग लिया है। आप सभी से इस पवित्र दिवस पर मेरी तरफ से कोई कटु वचन कहा हो, आपके अंतरंग दिल को ठेस पहुंचाई हो तो मेरी तरफ से आपका दिल दुखाया हो, आप सभी कार्यकर्ताओं से इस मंगल दिवस पर क्षमा याचना करता हूँ। समाज के सभी कार्यकर्ता विशेषतः
नंदनवन परिसर को सुजजित करने में कुटीर निर्माण समिति के संयोजक संदीप जी कोठारी उनकी पूरी टीम, भोजनशाला के संयोजक श्री महेंद्र जी उनकी पूरी टीम, आवास व्यवस्था की व्यवस्था के संयोजक संदीप पूरी टीम तथा नंदनवन परिसर के सभी व्यवस्थाओं समितियों के सदस्य संयोजक रास्ते की सेवा के सभी कार्यकर्ता उनको इस पूरी टीम तथा प्रवास व्यवस्था समिति के प्रबंधक श्री मनोहर जी श्री मेरे अंतरंग सहयोगी दो महामंत्री सुरेंद्र जी कोठारी महेजी बापना कोषाध्यक्ष श्री गौतम जी कोठारी अन्य सभी कार्यकर्ताओं से विशेष काम पड़ा है। मेरे व्यवहार से मैंने आप किसी का दिल दिखाया हो आपके पवित्र हृदय को ठेस पहुँचाई तो मैं आप सबसे करबद्ध होकर विनय भाव से क्षमा याचना करता हूँ। अंत में उन सभी अनुदानदाताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आपके आर्थिक सहयोग के बिना इस चातुर्मास की सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं कर पाते। आप सभी अनुदानदाताओं से मेरे व्यवहार से आपके दिल को ठेस पहुँची हो तो इस अवसर आप सभी से मैं हृदयता से क्षमा याचना करता हूँ। आप आशा करता हूँ कि आप सरल से मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। ओमर युग परिषद के सभी अध्यक्ष और मंत्री खड़े हो जाएं एक बार गुरुदेव से सब लोग आप क्षमा याचना युग परिषद के अध्यक्ष सभी अध्यक्ष खड़े हो जाएं सब लोग हाथ जोड़कर गुरुदेव से क्षमा याचना करें। इस अवसर पर सदा गुरुदेव आप विशाल हृदय हैं हम सबको क्षमा याचना प्रदान करेंगे। ओमर अब हम कार्यक्रम को मंच पर लाते हैं क्योंकि आप लोग आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम को यहाँ देखने के लिए सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम उस कड़ी के साथ में जुड़ते हैं और मैं सबसे पहले निवेदन करता हूँ साध्वी बरिया जी से आज के इस पुनीत अवसर पर खमत खामणा के अवसर पर हमें संबोधित कर दें। आज तो दिल बदलना ही चाहिए, दुश्मनी का पहाड़ हिलना ही चाहिए, खमत खामणा का अवसर है, भाई से भाई आज मिलना ही चाहिए। निवेदन साध्वी जहान संते तव नच्छि माली पभासई केवल भार हम तु एवायरियो सुयसील बुद्धिये विरायई सुर मझे। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना श्रद्धे या साध्वी प्रमुखा श्री जी आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साधु साध्वी ऋण समणी ऋण उपस्थित भाइयों एवं बहनों, हमने परिषण पर्व की आराधना की। कल हमने भगवती संवत्सरी महापर्व की आराधना की और आज क्षमा दिवस मना रहे हैं। क्षमा दिवस के दिन कुछ अंशों में विस्मृति का दिन कहा जा सकता है। हमें क्या भूलना है, किन बातों को भूलना है, कहा गया गीत में भूलो भूलो उसको भूलो जो कटुता का व्यवहार हुआ जीवन को सर अपनी भूलों को भूलना है। हमें क्या क्या बातें विस्मृत करनी है, सबसे पहले जो हमारे साथ कटुतापूर्ण व्यवहार हुआ है उसे भूलना है, दूसरी बात दूसरों की भूलों को भूलना है, तीसरी बात अपमान के प्रसंगों को भूलना है। आपके साथ किसी प्रकार के अपमान के प्रसंग हुए हो उन सबको भूलने का प्रयत्न करना है और आपके साथ किसी ने असहयोग की भावना रखी हो उन असहयोग के प्रसंगों को भूलना है। इन सबको भूलने का प्रयास करने वाला व्यक्ति ही क्षमा प्रदान कर सकता है। हमें आज के दिन क्षमा प्रदान करनी है और दूसरों को क्षमा देने का प्रयास करना है और स्वयं क्षमा ग्रहण करना है। क्षमा का अर्थ होता है क्ष और मा, क्ष का मतलब क्षय और मा का मतलब है मान।
जो मान का क्षय करता है वही व्यक्ति क्षमा प्रदान कर सकता है। हमें अहंकार को छोड़कर, ममकार को त्याग कर, सरल हृदय से, मन से क्षमा याचना करनी है। क्षमा का व्यवहार वही पर हो सकता है जहाँ आत्मतुला की भावना होती है, जहाँ सहिष्णुता की साधना होती है और सब जीवों के प्रति मैत्री की भावना होती है। हमें सब जीवों के प्रति मैत्री की मंगल भावना करना है और आज का दिन हमें सफल बनाना है इन्हीं भावों के साथ। ओम अर्पण। निवेदन साध्वी प्रमुख आशीष जी, हार को जीत में बदलने की कला सीखो, रुदन को गीत में बदलने की कला सीखो। अगर जिंदगी की असलियत को पाना है तो वैर को प्रीत में बदलने की कला सीखो। निवेदन साध्वी प्रमुख आशीष। भंते, क्षमा का महत्व उजागर करते हुए संस्कृत साहित्य में बताया गया है, क्षमा ही परमा शक्ति है, क्षमा ही परमं तपः, धर्मस्य च क्षमा मूलं, न हितं क्षमया विना। क्षमा परम शक्ति है, क्षमा परम तप है, धर्म का मूल भी क्षमा ही है और कल्याण का रास्ता भी क्षमा ही है। दुनिया में जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने क्षमा को अपने जीवन में अपनाया। भगवान महावीर इसके मूर्त निदर्शन हमारे सामने है। तेरा पंथ की आचार्य परंपरा क्षमा का मूर्त रूप है। सन 2002 की बात है, सितंबर महीने में पूर्व राष्ट्रपति कलाम दक्षिण अफ्रीका में गए और वहाँ वे नेल्सन मंडेला से मिले। बातचीत के दौरान कलाम साहब ने एक प्रश्न पूछा कि आप 27 साल तक जेल की चहर दीवारी में रहे, जब आप उस चहर दीवारी को छोड़कर बाहर निकले तो आपका सबसे पहला चिंतन क्या रहा, सबसे पहला अनुभव क्या रहा? और नेल्सन मंडेला ने कहा, मेरा सबसे पहला अनुभव यही रहा कि मुझे अब कटुता को छोड़ना है, वैमनस्य को छोड़ना है और इनको छोड़ करके मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है हम कटुता को छोड़ें, वैमनस्य को छोड़ें और भगवती संवत्सरी का यही संदेश है कि ये जो वैमनस्य की गांठे हमारे भीतर है, कटुता की जो गांठे हमारे भीतर है, बाहर की गांठे हमें दिखाई देती है और बाहर की गांठों को निकालने के लिए व्यक्ति प्रयत्न भी करता है। हमें बाहर की गांठ भी निकालनी है, भीतर की गांठ भी निकालनी है और यह एक ऐसा जम है जिसे यदि समूल समाप्त नहीं किया जाए और एक भी जम यदि शरीर के भीतर रह जाता है तो फिर नई गांठें पैदा होने के चांस बने हुए रहते हैं। खमत खावना का यह पावन पर्व हमें इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर की जो गांठें हैं, जो ग्रंथियां हैं, उनको खोलें और ग्रंथियों को खोलकर निर्ग्रंथता के मार्ग पर आगे बढ़े, निर्ग्रंथता को स्वीकार करें और वितराग तक बनने का प्रयत्न करें। ओम अर्हम। मुख्य मुनि प्रवर से हम जान सकेंगे सच्चे रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को सहन करने में है, क्योंकि बिना कमियों का इंसान ढूंढने निकलेंगे तो जिंदगी भर अकेले ही रहेंगे, इसलिए खमत खामना जरूरी है। मुख्य मुनि प्रवर। परम पावन परम श्रद्धे आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद साध्वी प्रमुखा जी, आदरास्पद साध्वी वर्या जी, साधु साध्वीवृंद, समणिवृंद, बंधुओं बहनों, मानव का स्वभाव है कि उससे प्रमाद हो जाता है, विचार भेद, मन भेद, मत भेद हो जाता है, गलतियां हो जाती है
और उन सब गलतियों का एक सुंदर मलहम, सुंदर दवाई वह है खमत खामना। खमत खामना अर्थात क्षमा देना और क्षमा लेना, स्वयं किसी से माफ़ी मांगना और दूसरों को माफ़ी दे देना, क्षमा दे देना। और आज के दिन ऐसा दिन है कि कोई हमसे भले मन मुटाव, कोई सामने वाला खमत खामना करे या न करे, हम उनसे अवश्य खमत खामना कर ले। क्योंकि जैसे दो व्यक्ति रस्सी को पकड़े हुए हैं और जो व्यक्ति रस्सी को छोड़ देता है वह तो बच जाता है, जो लेकिन जो पकड़ के रखता है वो गिर जाता है, वैसे ही हम अगर हमने सामने वाले से खमत खामना कर लिया, सामने वाला व्यक्ति भले हमसे खमत खामना करे नहीं करे, कम से कम हमारे पाप कर्म का बंधन नहीं होगा। जो गिरेगा वह चोट पाएगा, जो मन मिटाव नहीं मिला मिटाएगा उसके पाप कर्म का बंधन होगा। तो हम हमारी तरफ से सबसे खमत खामना करें, सिर्फ परिवार वालों से ही नहीं, उन सबसे खमत खामना करें जिनसे हमारा काम पड़ता हो, चाहे हमारे आप लोगों के कोई नौकर चाकर हैं, फैक्ट्री में कर्मचारी हैं, जिन व्यक्तियों से विशेष काम पड़ता है और जिनके प्रति मन में द्वेष भाव है, जिनके प्रति वैर का भाव है, उन लोगों से विशेष रूप से मिलकर खमत खामना करने का प्रयास करना है। क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जो हमारे भीतर ये जो वैर का धुआं हमारे ऊपर जो लग गया है भावों में, उस धुएं को स्नान करने का, महास्नान करने का यह क्षमापना महापर्व है। एक सन्यासी के पास एक व्यक्ति आया और उसने पूछा, सन्यासी जी मेरा भाई कल मेरे को अपने बेटे की शादी का आमंत्रण कार्ड देने आया था, किंतु हमारी पिछले 10 वर्षों से बोलचाल नहीं है। 10 वर्ष पहले उसने मुझे एक ऐसा शब्द कहा था कि जिसको मैं भुला नहीं पा रहा हूँ, आप बताइए कि मैं उसकी शादी में जाऊँ या नहीं जाऊँ। सन्यासी ने उससे पूछा कि तुम कल प्रवचन में आए थे, कल प्रवचन में मैंने क्या कहा था तुमको याद है? बोले अच्छे से तो याद नहीं है, 1 सप्ताह पहले भी संडे को भी तुम आए थे, तब भी तुमने प्रवचन सुना था, मैंने क्या कहा था तुमको याद है? बोले सारी बातें तो अच्छे से याद नहीं है। तो सन्यासी ने कहा कि तुमको ये कल की बात, सप्ताह भर पहले की बात याद नहीं है, अच्छी बातें याद नहीं है, तुम एक बुरे वचन को 10 वर्षों से पकड़ के रखे हो। तो यह क्षमापना पर्व यह प्रेरणा देता है कि हम अपने आप को हर बात को पकड़े नहीं। जो भगवान महावीर का जो सूत्र है, एत्थम पि अग्गये चरे, हम अग्रहण की साधना करें, भीतर में एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च करें, डिलीट एप्लीकेशन, कि हम सार की बात को ग्रहण करेंगे, जो बात हमारे सारपूर्ण नहीं है उसको हम अपने दिमाग से डिलीट करेंगे। सामने वाला तो आपको एक बार कहता है, एक बार गाली बोलता है, व्यक्ति अपने आप को उस बात को याद कर करके हजारों बार गाली दे देता है। तो आज का यह क्षमापना पर्व हमें प्रेरणा देता है कि हम उन सब की भूलों को क्षमा प्रदान करें, और हम भी अपने जिनसे हमारे द्वारा किसी को ठेस पहुंची है उनसे क्षमा याचना करके अपने आप को शुद्ध बनाएं। तो ये शुद्ध होने का आज महापर्व है, और परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से भी हम कितनी प्रेरणा ले सकते हैं कि गुरुदेव अगर किसी संतों के छोटा सा हाथ भी लग जाता है तो गुरुदेव उनसे हाथ फेर के खमत खामना करते हैं। तो ऐसे महापुरुष जब इतनी महानता दिखा सकते हैं, तो हम लोग तो कितने इन महापुरुष के सामने बहुत छोटे पुरुष हैं, तो हम किसी से क्षमा क्यों नहीं मांग सकते हैं। तो हम सब क्षमा मांगें और क्षमा दें और एकदम शुद्ध बन जाएं, ऐसी हमारे लिए। तुम ऐसे जलो जिससे किसी के दिल में कोई घाव न हो, तुम ऐसे फलो जिससे किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं हो। संसार के राजमार्ग पर सबको चलने का अधिकार है, संसार के राजमार्ग पर सबको चलने का अधिकार है, पर तुम ऐसे चलो जिससे किसी के साथ टकराव ना हो। ये टकराव बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आज का ये अवसर हमें जोड़ेगा। साध्वी वृंद गुरुदेव से वंदना खमत खामना।
सर्व सत्या समणिया सो संवत्सरी संबंधी वारंबार खमत काम खमत काम। एक बात की ओर आप लोग ध्यान दे दें, सूरजकरण जी दुगड़, श्रीचंद जी दुगड़, सुमति जी गोठी, कन्हैयालाल जी पटावरी, ये यहीं रहेंगे, किशनलाल जी जब श्रावक समाज से, आप लोग ध्यान दे दें, अब गुरुदेव का मंगल प्रवचन होने जा रहा है, उसके बाद में साधु साध्वियों का परस्पर खमत खामना हो सकेगा, उसके बाद में श्रावक समाज के द्वारा भी गुरुदेव को खमत खामना किया जाएगा, आपस में भी खमत खामना होगा, तो हम सभी अलर्ट रहें। अब मैं निवेदन करता हूँ, क्षमा के निर्धर, क्षमा के सरोवर, क्षमा के सागर, महान वीर शक्तिधर, परम पूज्य आचार्य प्रवर। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊँचे आदर्शों को अपना जी पन्नगे च सुरेन्द्र च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परम स्मरणीय भगवान महावीर को श्रद्धापूर्ण वंदन। महामना परम पूजनीय आचार्य भिक्षु, उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा, परम श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का सम्मान स्मरण स्तवन वंदन। आगम वांग्मय में कहा गया है, खमावन यायेणम भन्ते जीवे किं जनयै,
खमावन यायेनम पल्लायन भावम जनयै पल्लायन भाव मुव गए ये सब पान भूय जीव सत्येषु मिट्टी भाव मुक्ता ए मिट्टी भाव मुव गए यावि जीवे भाव विशो हिम का ऊण निभ ए भवई। उत्तराध्ययनानी के 29वें अध्ययन में अनेक प्रश्नों के अंतर्गत एक प्रश्न किया गया कि भंते क्षमापना से जीव क्या प्राप्त करता है। उत्तर दिया गया कि क्षमापना से प्रह्लाद भाव को जीव पैदा करता है। आपस में तनातनी कटुता वैमनस्य चलता है तो वह पवित्र प्रह्लाद भाव उस संदर्भ में पैदा होना असंभव या मुश्किल हो सकता है। किसी के साथ कुछ व्यवहार अवांछनीय हो गया हो, उसके साथ अंतर मन से खमत खामना हो जाए, क्षमापना हो जाए, सारी बात पिछली एक तरह से समाप्त हो जाए, तो फिर एक चित्त में प्रह्लाद भाव पवित्रता का भाव उत्पन्न हो सकता है। प्रह्लाद भाव को प्रह्लादन को प्राप्त हुआ जीव सब प्राण भूत जीव सत्वों में मैत्री भाव को उत्पन्न कर लेता है। और मैत्री भाव को जो जीव प्राप्त हो जाता है वह भाव विशोधी कर लेता है, और भाव विशोधी करके वह निर्भय भवई निर्भय बन जाता है। तो क्षमापना से निर्भयता तक की यह यात्रा होती है, बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। क्षमापना से लेकर निर्भयता तक पहुंच जाना। हमने पिछले 8 दिनों में पर्युषण की अष्टांगिक आराधना की, और कल तो शिखर दिवस था, भगवती संवत्सरी की आराधना हमने की, और आज 8 दिनों के बाद का दिन है, गणना करें तो 9वां दिन आ जाता है। और यह 9वें दिन का कार्यक्रम खमत खामना से जुड़ा हुआ है, और अष्टांगिक महोत्सव का समापन समारोह भी एक दृष्टि से इसी कार्यक्रम को माना जा सकता है। हमने अपने ढंग से इन 8 दिनों में आत्माराधना धर्माराधना अध्यात्म आराधना का प्रयास किया है, और उस अष्टांगिक महोत्सव की अब संपन्नता का अवसर है। अभी खमत खामना का प्रसंग है। बड़ा सुंदर श्लोक जो हमारा प्रसिद्ध है, खामेमि सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु मे मिट्टि मे सब भूएषु वेरम मज्जन केणय, कि मैं सबको क्षमा देता हूं और सब जीव मुझे क्षमा दे, कि मेरी ओर से सबको क्षमा, सब मुझे क्षमा दे दे। और एक सारपूर्ण बात है कि सब प्राणियों के प्रति मेरे मन में मैत्री भाव, किसी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है। भगवती संवत्सरी का यह प्रसंग और क्षमा याचना क्षमा दान का प्रसंग एक अपने भीतर की यह द्वेषात्मक ग्रंथि है, विद्वेष की ग्रंथि है, उसको काटने का या खोलने का। काटना और खोलना दो तरीके होते हैं, ऑपरेशन के द्वारा कुछ काटने की बात भी हो सकती है, और दवाई के द्वारा फिर काटने की जरूरत नहीं, बिना काटे भी काम हो जाए तो काटना तो बाद की बात है, पहले खोलने का प्रयास कर लें।
दवाई से काम हो जाए तो सर्जरी क्यों करानी पड़े। तो ग्रंथि है उसको आसानी से खोल दें, तरीके से खोल दें, काटने में फिर भी थोड़ी सी कोई बात, आराम से आसानी से बैठो और गांठ को खोल दो, बस खत्म बात। तो यह गांठ को खोलने का भी अवसर है, बढ़िया तो है, गांठ पड़े ही नहीं। गांठ क्यों पड़े, अच्छी बात हो, किसी के साथ गांठ पड़े ही नहीं। अगर गांठ पड़ जाए तो जल्दी खोल लें, वरना संवत्सरी भगवती का मौका आए तब तो गांठ को खोल करके रस्सी को सीधी कर लेने का प्रयास करना चाहिए। इतनी कठोर है कि अब तो खुल नहीं सकती, तो फिर एकदम शुद्ध भावों का वेग ला करके उस ग्रंथि को मानो काटने का प्रयास कर। कुल मिलाकर के वैर भाव की समाप्ति हो जानी चाहिए। ठीक है, सिद्धांत सिद्धांत है, व्यवस्था व्यवस्था है, न्याय न्याय है, उनको तो परिवर्तित करना संभव नहीं भी हो, पर कम से कम मानसिक विद्वेष किसी के साथ न रहे, यह साधुत्व है और श्रावकत्व है कि विद्वेष न रहे। हमारे जैन शासन का यह बहुत महत्वपूर्ण एक उपक्रम है, खमत खामना का फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, क्षमा क्षमा, कितना सुंदर कार्यक्रम है हमारे यहाँ कि एक वर्ष में एक ऐसा प्रसंग आता है कि सबसे खमत खामना हो जाए। अनेक देशों में कोई बात को लेकर कोई तनातनी है, अगर ऐसा यह दिन कोई उनको भी प्रेरणा मिल जाए कि आपस की बात को संभव हो सके तो सलटाओ, विद्वेष न रहे, मैत्री भाव खमत खामना हो जाए। तो मेरा परामर्श है कि जिन देशों में थोड़ी बहुत आपसी तनातनी है, जैन शासन का यह भगवती संवत्सरी का संदेश वहां तक भी किसी भावात्मक रूप में भी पहुंचे, उन देशों में भी आपस में खमत खामना हो जाए और पिछली बात समाप्त और मैत्री भाव उपलब्ध हो जाए, तो सभी में मैत्री भाव रहे, सद्भावना रहे, तो यह भगवती संवत्सरी का मानो संदेश उपदेश कि आपस में कोई वैर भाव मत रखो। ठीक है, सिद्धांत व्यवस्था जो रखना सो रखो, वैर भाव मत रखो, जितना हो सके बस अपने ढंग से प्रेम कह दें, मैत्री कह दें, जो भी निर्वद्य रूप में आध्यात्मिक रूप में हो वो भाव बना रहे। तो वर्ष भर में हम जो व्यवहार में जीने वाले हैं, तो गुफा में बैठ करके ध्यान करें उसका तो काम भी पड़े न पड़े विशेष, हम लोग तो व्यवहार में जीने वाले हैं, संगबद्ध और समाज में रहकर जीने वाले हैं, तो एक दूसरे से हमारा काम भी पड़ जाता है, बात भी होती है, कभी कोई कुछ कह दिया जाए हो भी साथ में रहते हैं कि बर्तन भी साथ में थोड़े खड़बड़ खड़बड़ ऐसे कर सकते हैं, तो हम तो इंसान हैं, थोड़ी बात करते करते कभी कोई खड़बड़ खड़बड़ की स्थिति भी बन सकती है, पर वापस ठीक हो जाए, भगवती संवत्सरी के मौके पर तो बिल्कुल ठीक हो जाए, यह काम्य है। तो मेरा भी ऐसे थोड़ा थोड़ा काम पड़ जाता है और साधु साधियों से भी काम पड़ता है, समणियों से भी थोड़ा काम, श्रावक श्राविकाओं से, श्रावकों से विशेष मान लें, कई श्राविकाओं से थोड़ा बहुत कोई काम पड़ जाए, कोई व्यवहार हो जाए, तो अनेकों से इस प्रकार और भी तेरापन धर्म संघ के सिवाय भी जैन शासन के आचार्यों आदि से और भी धर्मगुरुओं से, राजनेताओं से, विशिष्ट साहित्यकारों, न्यायाधीशों, वकीलों आदि से भी हों, क्योंकि हम तो यात्रा में और में लोगों से, विधायक सांसद कई आते रहते हैं, यदा कईयों से काम पड़ता है। तो ऐसे तो हमने कल मानो भगवती संवत्सरी का प्रतिक्रमण किया, तो जो हमारा पाठ और होता है लोगस का पाठ, इधर खामे में सब जेवे 7,84,00,000 वो पाठ, उसके सिवाय व्यक्तिगत भी कुछ खमत खामना का उपक्रम चलता है, तो मेरा भी यूँ कईयों से ज़्यादा काम पड़ता है, कईयों से बहुत कम काम पड़ता होगा। हमारे साध्वी प्रमुखा जी विराजे हुए हैं,
क्योंकि साध्वी प्रमुखा जी से भी हमारा बातचीत का और का यूँ काम पड़ जाता है, क्योंकि आप तो साध्वी समुदाय में हमारे धर्म संघ में जो 550 से अधिक साध्वियाँ हैं उन सभी साध्वियों में आप अधिकार दायित्व की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान पर हैं, प्रथम नंबर पर हैं। और पिछले कुछ अरसे में जब आपको हमने साध्वी प्रमुखा के रूप में मनोनीत कर दिया, फिर और ज़्यादा थोड़ा यूँ वैधानिक स्थिति में आप आ गए, तो साध्वियों की व्यवस्था के संदर्भ में, साध्वियों की अपेक्षाओं के संदर्भ में आपसे हमें बातचीत करनी होती है, बातचीत की जाती है। और भी हमारे मीटिंग गोष्ठी भी यदा कदा होती है, और भी प्रायः आप तो हमारे पास दिन में अनेक बार पधार जाती हैं, विराजती हैं, कोई बातचीत, कोई आगम की, तत्व ज्ञान की, हमारे सिद्धांतों की और की स्वाध्याय में, और में यूँ कोई कभी बातचीत भी कहीं हो जाए, स्वाध्याय में भी आप कुछ विराजती है, तो यूँ अनेक बार आपसे काम पड़ता है। इतना बड़ा हमारा साध्वी समुदाय है, गुरुकुलवास में भी इस बार तो 100 से भी ज़्यादा साध्वियाँ आए, बहिर्विहार में भी साध्वियाँ आए, तो बहिर्विहार की साध्वियों के भी संवाद आते हैं, यहाँ स्थित साध्वियों की भी बात आती है, और भी अनेक बातें कोई हो सकती हैं। तो मेरा साध्वी प्रमुखा जी से भी काफ़ी यूँ काम पड़ता है, तो कोई हमारे बोलने में, कहने में कहीं कोई आपकी कोई असाधना कह दें हो गई हो, कोई कटु शब्द, कोई कठोर अनुशासन की बात कोई निकल गई हो, आपको कोई दौरा लग गया हो, तो आपसे बारंबार मेरा खमत खामना है संवत्सरी के लिए। अच्छा स्वास्थ्य रहे, अच्छा खूब आप काम करते रहें, खूब सक्षमता से स्वास्थ्य का अच्छा रहना, खूब अच्छी सेवा, प्रवचन, भाषण, साहित्य का कार्य, जो भी अच्छा काम होता रहे। साध्वी वरिया, साध्वी समुदाय में ऐसे साध्वी प्रमुखा जी तो सर्वोच्च हैं, नंबर एक, नंबर टू पर साध्वी वरिया पदासीन है साध्वी समुदाय में, और साध्वी वरिया से भी बहुत काम पड़ता है, समन श्रेणी संबंधी व्यवस्था, चित्त समाधि, स्वास्थ्य आदि अनेक बातों को लेकर साध्वी वरिया से बहुत अनेक बार काम पड़ जाता है, मुमुक्षु भाइयों को लेकर भी, और भी कई बातों को, लेखन, पठन, अध्ययन, सूत लेखन, सेवा आदि रूपों में साध्वी वरिया से भी काम पड़ जाता है, अनेक बार दिन में प्रायः आ भी जाती है, बैठती है, उपासना में रहती है, तो अनेक बार काम पड़ता है बोलने का, बातचीत का। तो किसी भी बात को लेकर कोई मन को दौरा लगा हो, कोई अप्रिय कठोर वाक्य कह दिया हो, तो साध्वी वरिया से भी संवत्सरी भगवती के अवसर पर बारम्बार खमत खामना है। गुरुकुलवास में हमारे साध्वियाँ हैं, कुछ तो जो मूल वर्षों से गुरुकुलवास में रह रही हैं उनसे भी काम, और जो कई नारायण के सिंगाड़े यदा कदा, इस बार जैसे अनेक सिंगाड़े चतुर्मास में सम्मिलित हैं, गुरुकुलवास में रह रहे हैं, तो साध्वियों से भी कई तो बाद में मिले, कई तो वर्षों से प्रायः साथ ही रहने वाली साध्वियाँ हैं गुरुकुलवास में, तो साध्वियों से भी अनेक रूपों में संपर्क हो जाता है। ठीक है, बात का काम कईयों से ज़्यादा पड़े, किसी से नहीं भी, प्रायः नहीं भी काम पड़े, फिर भी आखिर एक समूह में रहने वाले हैं, हमारे किसी निर्णय से, किसी व्यवहार से, तत्वज्ञान आदि संबंधी बातों में, और भी कोई व्यवस्था, प्रबंधन, शासन प्रशासन आदि की बातों में, कोई वाचन आदि की गोष्ठियों में, कोई भी हमारा कठोर वचन साध्वी समुदाय के लिए निकल गया हो, तो गुरुकुलवास में आज की डेट में स्थित सभी साध्वियों से मेरा बारंबार खमत खामना है। और यहाँ मुंबई में भी हमारे साध्वी विद्यावती जी द्वितीय का सिंगाड़ा कांदीवली में है, तो वे ऐसे मुंबई में है, इस यहाँ नहीं, साध्वी विद्यावती जी द्वितीय के सिंगाड़े की साध्वियों से भी सभी से मेरा बारम्बार खमत खामना है। और बहिर्विहार में हमारे कितनी साध्वियाँ हैं, यहाँ तो उस तुलना में थोड़ी हैं, ज़्यादा साध्वियाँ तो बहिर्विहार में हैं, और बहिर्विहारस्थ साध्वियों से भी दूर से भी हमारा संपर्क किसी किसी से हो जाता है, और यों महोत्सव आदि में मिलना होता है तब भी संपर्क बातचीत आदि हो जाती है,
अब जो यहाँ नहीं है गुरुकुलवास में, तो चाहे दूर से संपर्क हो चाहे साक्षात संपर्क हो, बहिर विहार की साधियों को भी हमारा संदेश निर्देश कुछ चला जाता है जाता है, तो हमारे किसी निर्देश निर्णय से व्यवहार से बहिर विहारी साधियों को कोई कठिनाई हो गई हो, कोई उनको अप्रिय लग गया हो, तो मैं सभी बहिर विहारस्थ साधियों से भी यहाँ बैठा बैठा बारंबार खमत कामना करता हूँ, अपने स्वास्थ्य का साध्या ध्यान रखें, अच्छी साधना करें, धर्म शासन की प्रभावना करते रहें, खूब अच्छा काम करते रहें, मंगल कामना। समन श्रेणी में यहाँ कुछ समनियाँ हैं, बाकी समनी नियोजिका अमल प्रज्ञा आदि समनियाँ कोई विदेश में कई भारत में जगह जगह कई जगह हैं, तो समन श्रेणी से वैसे तो साध्वी वरिया के माध्यम से कई बातें हो जाती है, फिर भी समनियों से भी कुछ बात और करने का काम पड़ सकता है, तो समनियों से भी बातचीत करने में कोई कटु वचन कोई अप्रिय वचन निकल गया हो तो समनियों से भी बारंबार, नई नवदीक्षित समनियाँ भी है वो उपासना में बैठ कोई कटु कठोर वचन निकला हो तो बारंबार खमत खामना। समनी पावन प्रज्ञा जी तो थोड़ी स्वास्थ्य की स्थिति जटिल है, वे अभी यहाँ आ भी नहीं पाई होंगी, मिलना होगा, वरना दूर से भी उनसे भी खमत खामना है, खूब उनकी चित्त समाधि बनी रहे। मुमुक्षु बाइयाँ जो कहाँ कहाँ अभी तो पर्यूषण यात्रा के लिए गई हुई होंगी, कोई जहाँ भी कोई हैं मुमुक्षु बाइयों से भी, वैसे तो साध्वी वरिया का माध्यम है उनके संदर्भ में बात का, फिर भी कोई निर्णय बातचीत से उनको कोई कठिनाई हो गई हो हमारी ओर से, कोई कठोर निर्देश आदि हो गया हो, तो बारंबार मुमुक्षु बाइयों से भी मेरा खमत खामना है। हमारा श्राविका समाज है, विराट श्राविका समाज है, यहाँ पर भी स्थित है, और कितना श्राविका समाज, ज़्यादा तो बाहर है, आउट ऑफ मुंबई कितना बड़ा श्राविका समाज है, तो श्राविका समाज से विशेष कोई हमारा शायद ज़्यादा कोई काम नहीं पड़ता होगा, सीधी बात करने का थोड़ा बहुत पड़ भी जाता होगा, ये दूर से भी साध्वी प्रमुखा जी एक दिन फरमा रही थी कि श्राविकाएं तो दूर बैठे बैठे भी बस आप विराजे हुए हैं, उनको इतने में ही संतोष है कि हमारी सेवा हो रही है, यानी इनकी भक्ति श्रद्धा कह दें तो श्राविका समाज में भी कई अच्छी पढ़ी लिखी बाइयाँ भी है, अच्छी श्रद्धा वाली भी हैं, कई पुरानी वयोवृद्ध भी हैं जिनमें श्रद्धा भक्ति गोचरी पानी आदि की भावना है, तो श्राविकाओं को भी कोई हमारी ओर से कोई हमारे बिना बोले व्यवहार से भी उन्हें कोई अप्रिय लगा हो, उनके मन की भावना श्रद्धा भावना के अनुरूप हमारा व्यवहार न हुआ हो, तो श्राविका समाज से भी यहाँ और जहाँ तहाँ भी है सबसे मेरा बारम्बार खमत खामना। और भी कोई बाइयाँ यानी कोई भी ये सांसद विधायक आदि आदि भी अदा कदा कभी आ जाती हैं, उन सब से समस्त महिला समाज से भी मेरा यूँ खमत खामना है। हमारे मुख्य मुनि हैं महावीर जिन जो ये तो दिन में भी रात में भी हमारे आसपास ही रहने वाले हैं, इनसे तो रात में भी कभी कोई बात का काम और दिन में भी काम पड़ता रहता है, तो मुख्य मुनि जो हमारे सचिव मेरे सचिव के रूप में हैं और कई वर्षों से सचिव के पद पर स्थित हैं और मेरे से ज़्यादा संदेश लिखाना करना व्यवस्था संबंधी बातें लिखाना कोई गोष्ठी की बात या निर्णय लिखाना ऐसे प्रसंगों में, और मुख्य मुनि व्यवस्था के तंत्र से यों जुड़े हुए हैं, और चूंकि ये तो संत है तो ज़्यादा निकट बैठ साध्वी प्रमुखा जो थोड़ा दूर विराजते हैं, मुख्य मुनि तो हमारे एकदम ही पास बैठने में बातचीत करने एकदम निकट आकर के भी बात कर लेते हैं कभी, तो ये हमारे एक बहुत मेरे पास रहा रहते हैं, इनका सोना भी मेरे आसपास, बैठना भी मेरे प्रवास स्थल की बिल्डिंग में ही प्रायः इनका प्रवास होता है, तो दिन में अनेक बार आना जाना कई बार इनका आना हो जाता है, बिना बुलाए भी आ जाते हैं बुलाने पर भी आ जाते हैं, कई रूपों में इनसे संपर्क होता है, तो ये भी हमारे व्यवस्था तंत्र के एक अंग हैं, तो मुख्य मुनि से भी बातचीत में और में कोई कहने में कुछ कठोर हो वचन निकल गया हो कठोर व्यवहार हो गया हो तो
तो मुख्य मुनि से भी बारंबार खमत खामना है, खूब अच्छा काम करते रहें, अच्छा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छा विकास होता रहे, तो खूब मन में समाधि शांति बनी रहे और कुछ अच्छा अपना विकास हो, धर्म संघ का अच्छा विकास हो, मनोबल हिम्मत साहस सब अच्छा रहे, शरीर स्वास्थ्य मजबूत रहे, मनोबल खूब बढ़िया रहे, कोई भी स्थिति आए तो मन झेल सके, कोई खास असर न हो, ऐसी क्षमता का विकास हो, अच्छा ज्ञान का विकास हो, अच्छी साधना का विकास हो, और भी व्यवस्था हो, सारे कार्यों में अच्छा विकास होता रहे, खूब अच्छा। हमारे गुरुकुलवास में संत हैं, जो कई संत तो लंबे काल से हर चतुर्मास में हमारे साथ रहने वाले हैं और कई संत इस बार हमारे साथ रह रहे हैं, और संतों से तो मेरा बहुत ही ज़्यादा काम पड़ता है, यूँ यानी दिन में एक रात में अलग अलग विषयों से मेरे साथ संत जुड़े रहते हैं, कोई ज्ञानात्मक दृष्टि से, कोई परिचर्या की दृष्टि से, और कोई व्यवस्था तंत्र बाह्य व्यवस्थाओं के संदर्भ में, कोई संस्थाओं के संदर्भ में, अनेक रूपों में संत मेरे से, संतों के तार मेरे से मानो जुड़े रहते हैं, वो उनकी यानी मेरे पास उनको यदा कदा निर्देश इंगित लेने के लिए मैं बुला लूँ या वे आ जाएं, ऐसा क्रम दिन में रात में मेरे पास बैठने वाले, शाम को बैठने वाले, सुबह बैठने वाले, उपासना में बैठने वाले, मेरे साथ चलने वाले, रहने वाले, अनेक रूपों में संत मेरे से संपृक्त हैं। और ज़्यादा काम करता है संतों से तो बोले न बोले और अनेक रूपों में संपर्क हो जाता है, तो यात्रा में, बिहारों में और कितने रूपों में संतों का गुरुकुलवास में जो अधिक निरंतर प्राय रहने वाले हैं, कोई कभी कभी अभी कभी कभी वाले भी अभी साथ हैं, तो किसी भी रूप में संतों को मेरी ओर से कोई कठोर वचन, कठोर अनुशासन, कठोर निर्देश दे दिया गया हो, कभी कोई बात कहनी पड़ जाए, कभी कईयों के बीच में किसी की बात बतानी पड़ जाए, क्या कर लेते हैं, ऐसी कोई भी स्थिति से कोई दौरा लगा हो, अप्रिय लगा हो, तो यहाँ संत सभी मेरे से छोटे हैं, यहाँ स्थित सभी संत दीक्षा पर्याय में सब मेरे से छोटे हैं, यहाँ तो अभी तो सब संतों से भी मेरा बारंबार खमत खामना है सब। मुनि श्री धर्मरुचि जी स्वामी हैं तो गुरुकुलवास के अभी चिकित्सा के संदर्भ में वे चंबूर में विराजे हुए हैं, और मुनि अजित कुमार जी, जम्बू कुमार जी, ऐसे कई संत, मनन कुमार, कई संत वहाँ पर हैं, तो वे आएंगे तब तो साक्षात, अभी मैं दूर से उन सभी संतों से और मुनि श्री धर्मरुचि जी स्वामी से बंधन, किंचित बंधन के साथ सभी संतों से जो मुंबई में स्थित हैं उनसे भी मैं खमत खामना यहाँ बैठे बैठे करता हूँ। और बहिर बिहार में हमारे कितने संत हैं, यहाँ तो थोड़े हैं, इनसे ज़्यादा तो बहिर बिहार में हैं, कई संत मेरे से रत्नाधिक हैं, ज़्यादा संत अवंग रात्निक हैं, तो संतों से भी दूर से भी मिलते हैं तब साक्षात भी काम पड़ सकता है, तो मैं बहिर बिहार में स्थित सभी संतों के प्रति मंगल कामना करता हूँ, रत्नाधिक संतों को यहीं से वंदन संक्षिप्त रूप में करता हूँ, सब संत अपना अच्छा विकास करें, जितना हो सके सेवा करें, धर्म शासन की प्रभावना करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मैं सभी संतों से जो बहिर बिहारस्थ हैं बारंबार खमत कामना करता हूँ। हमारे बहुश्रुत परिषद में भी अनेक चारित्रात्माएँ हैं, कुछ यहाँ हैं, कोई बाहर हैं, बहुश्रुत परिषद के सभी सदस्यों से भी मेरा बारंबार खमत खामना है, समीक्षा परिषद में साधु साधवियाँ समणियाँ आते हैं उनसे भी खमत खामना है, मुमुक्षु भाई हैं यहाँ पर जो अभी ये साधना में मानो हैं, इनसे भी हमारा बारंबार खमत खामना है, और इधर उपासक श्रेणी में कितने हमारे सदस्य हैं, जो कितने तो अभी यात्रा में गए हुए होंगे, उन सब से मेरा बारंबार खमत खामना है, उपासक श्रेणी भी खूब अच्छा विकास करते रहे, और फिर श्रावक समाज जो हमारा
इतना बड़ा यहाँ तो कुछ है, बाकी पूरे बाहर आउट ऑफ मुंबई, आउट ऑफ यहाँ कितने श्रावक लोग हैं, और भाइयों की अपेक्षा संभवतः श्रावकों से ज़्यादा संपर्क हो जाता है, और तो यहाँ हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा मान लें। अभी व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्री मदन जी तांतेड़ और उन व्यवस्था समिति के भी कार्यकर्ता हैं जिनसे थोड़ा बातचीत का और का काम, और भी श्रावक समाज हैं विभिन्न रूपों में मुंबई में, कितने लोग आते हैं जाते हैं रहते हैं वंदना सेवा, तो श्रावक समाज से भी जो यहाँ है और बाहर है उनसे किसी से भी कोई मेरा कठोर निर्देश संदेश कुछ चला गया हो बातचीत में और में, सभी श्रावकों से मेरा बारंबार खमत खामना है। और कितने कई लोग तो बाहर से यहाँ आए हुए हैं पर्यूषण की आराधना और में आए हुए हैं, उन सब से भी हमारा खमत खामना है। हमारे केंद्रीय संस्थाएं जो समाज में हैं उनके भी अध्यक्ष मंत्री आदि आदि हैं, स्थानीय संघीय संस्थाओं के भी अध्यक्ष मंत्री आदि आदि जो होते हैं, और इधर तेरापंथ विकास परिषद के भी हमारे चार सदस्य हैं, कल्याण परिषद से जुड़े हुए हैं, इन सब से भी मेरा बारंबार खमत खामना है। जैन शासन के आचार्यों आदि आदि साधुओं और साधियाँ जिनसे भी कभी मिलना कभी दूर से संपर्क हो जाए उनसे भी मेरा भगवती संवत्सरी के पावन अवसर पर खमत खामना है, और जैनेतर धर्मगुरुओं से भी कुछ मिलना या दूर से संपर्क हो जाए उनसे भी मेरा बारंबार खमत खामना है, और जो कई हमारे संघ से मुक्त गणमुक्त हमारे धर्म संघ में थे अब वो संघ से अलग हैं ऐसे व्यक्तित्वों से भी मेरा बारंबार खमत खामना है, और विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाएं जो जिनसे कोई संपर्क हो जाए होता हो उनसे जुड़े व्यक्तियों से भी मेरा खमत खामना है, राजनीति के क्षेत्र के लोगों से भी संपर्क हो जाता है उनसे भी मेरा खमत खामना है, और भी शेष अशेष जो भी हैं जिनसे भी काम पड़ता हो उन सब से मेरा बारंबार खमत खामना है। तो यह हमारा भगवती संवत्सरी से जुड़ा हुआ और यह आज का खमत खामना का जो कार्यक्रम है हमारा सबसे अच्छी तरह खमत खामना, हमारा खमत खामना स्वीकार हो, और हमारे श्राविका समाज में एक श्राविका तेजीबाई सुराणा थे जो ये औरंगाबाद जहाँ से भी जुड़े श्राविका तेजीबाई सुराणा जो गुरुकुलवास में चतुर्मास में और रह करके सेवा करने वाली थी, उनका भी कुछ समय पहले देहावसान हो गया था, तो श्राविका तेजीबाई सुराणा की आत्मा के प्रति मेरी मंगल कामना है, उनकी आत्मा मोक्ष की ओर प्रयाण करे मोक्ष को प्राप्त करे, और श्राविका तेजीबाई के पुत्र श्री सुरेंद्र जी सुराणा हैं उनसे भी मेरा बारंबार खमत खामना है, कोई बात उनको मेरी कटु लग गई हो उनके मन में कोई बात हो बात को निकालने का प्रयास करना चाहिए, समय पर कोई बात हो जाती है उसको फिर समाहित करने का प्रयास होना चाहिए, तो मैं भगवती संवत्सरी के इस पावन बेला में मैं श्री सुरेंद्र जी सुराणा से भी दूर बैठा बैठा बारंबार खमत खामना करता हूँ और सबसे मेरा खमत खामना। ओम। अब साधु साध्वियाँ आपस में खमत खामना कर रही है, साध्वी श्री जिन प्रभा जी आपकी आदरणीय मुख्य मुनि प्रवर आदि मुनि वृंद, आप धर्म संघ की प्रभावना में अहर्निश लगे हुए हैं, आपके प्रति हमारे मन में अत्यंत प्रमोद भावना है, विगत 13 महीनों में आपके प्रति किसी प्रकार का अभिनय आसाधनापूर्ण व्यवहार हुआ हो असम्मान के भाव मन में आए हों
तो हम सभी साधियाँ भगवती संवत्सरी संबंधी तीन करण तीन योग से शुद्ध अंतःकरण और विनम्र भाव से बद्धांजलि साधि वादन खमत कामना करते हैं और आपके आध्यात्मिक विकास की मंगल कामना करते हैं। आदरणीय साध्वी प्रमुखा जी आदि साध्वी वृंद, आप धर्म संघ की प्रभावना में अहर्निश लगे हुए हैं। धर्म संघ में आपका सम्मान पूर्ण स्थान है। आपके प्रति हमारे मन में अत्यंत प्रमोद भावना है। विगत वर्ष में हमारे द्वारा किसी प्रकार का अभिनय आशातना हुआ हो तो हम असम्मान के भाव आए हों तो हम सभी संत भगवती संवत्सरी संबंधी तीन करण तीन योग से बद्धांजलि साभिवादन खमत खामना करते हैं। आपके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करते हैं। खमत खामना साधु साधियों के खमत खामना और चारित्रात्माएं जो हैं यहाँ है चाहे बाहर हैं, एक वर्ष में कोई प्रतिष्ठापन संबंधी प्रतिष्ठापन कहीं पैठना पड़े, नाली में के वेसिन में के लेट्रिन में और में पैठने संबंधी कोई ऐसा कोई हुआ हो, कोई दोष लगा हो, हम सभी चारित्र आत्माओं को इस उसके लिए एक उपवास की आलोचना हम स्वीकार करें। सभी एक वर्ष में कोई पैठने संबंधी दोष लगा हो, श्रावक श्राविकाओं को एक वर्ष में कोई व्रत त्याग आदि में कोई दोष लग गया हो तो उनको एक वर्ष के लिए तीन उपवास और 21 माला नवकार मंत्र की यह प्रायश्चित बताया जा रहा है। कोई उपवास न कर सके तो एक उपवास के बदले दो एकासन करके उतारा जा सकता है और वो भी संभव न बैठे तो एक उपवास को दो घंटा स्वाध्याय करके दो घंटा बीच में बिना बोले बिना बातें किए एकदम बिना कुछ खाए किए दो घंटा स्वाध्याय कर ले धर्म की किताब का तो एक उपवास को उसके बदले में समाहित किया जा सकता है। यह श्रावक श्राविका समाज के लिए आलोचना की। अब श्रावक समाज की ओर से परम पूज्य गुरुदेव आदि से खमत खामना के क्रम में किशन लाल जी डाकलिया वे आगे यहाँ पर उपस्थित हो सकेंगे और साथ में कन्हैयालाल जी पटावरी, सुमती जी गोठी, चांद रतन जी दुगड़, सूरजकरण जी श्रीचंद जी दुगड़ और मदनलाल जी तातेड़, मनोहर जी घोकरू आदि वे सब यहाँ पर एक प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ पर सब। सबसे पहले बंदे सब साहब को सर में खड़े हो गए, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, मैं बोलूंगा उसको आपको दोहराना है, परम पावन परम सदैव प्रभात पिछले वर्ष में हमसे जाने अनजाने में कोई और है का साधना हुई हो आप के गीत को नहीं समझ पाए हो, हम हाथ जोड़कर समय याचना करते हैं। आप परम महान हैं, हमें क्षमा प्रदान कराएंगे, आप क्षमा के सागर हैं। अभी अभी
हम सब श्रावक और श्राविकाएं साधु और साधुओं से और मुख्य मुनि साधु प्रवर से समय याचना करेंगे। श्रद्धेय मुख्य मुनि प्रवर, साधु प्रमुख श्री जी, साधु विरिया जी, साधु एवं साध्वी वृंद, सम्मानित वृंद, पिछले वर्ष में हमसे कोई अभिनय असाधना हुई हो, इंगित को नहीं समझ पाए हो, हम विनम्र भाव से समय याचना करते हैं। आप महान हैं, हमें समा प्रदान कराएंगे। अभी सभी भाई बहनों की तरफ अपने हाथ जोड़ लें। सभी भाई बोलेंगे, बहनें स्वीकार करेगी। सम्मान्य बहनों, पिछले वर्ष में हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो, किसी का दिल दुखाया हो, हम विनम्रता से खमत खामना करते हैं। अब बहनें बोलेगी, बहनें भाइयों से। आदरणीय भाइयों, पिछले वर्ष में हमसे जाने अनजाने में बढ़िया तो ये हो, कोई श्राविका ही बोल ले, भाइयों कोई श्राविका बोल ले ना, कोई कोई साध्वी प्रमुखा जी दे, कोई श्राविका बोल ले, कोई भाइयों के लिए। नीचे वालों, एकदम नीचे वालों बैठेगा। कटे हैं एकदम नीचे नीचे। प्रिय भाइयों, पिछले वर्ष में हमारे द्वारा कोई भी जाने अनजाने भूल हुई हो तो हम सभी बहनें आपसे विनम्र भाव से खमत खामना करते हैं। ठीक है। बनते पर्युषण पर्व के आठों ही दिन हम लोगों ने धर्माराधना की। आज संवत्सरी महापर्व है। सूरज की पहली किरण के साथ ही मैं अपने समस्त अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल परिवार की ओर से पूज्य प्रवर एवं समूचे संघ के प्रति क्षमा याचना करती हूँ। बनते एक मिनट के लिए मुनिश्री, मार्ग सेवा व्यवस्था भाईचू से लेकर बम्बई तक की प्राय हम लोगों ने की है और हमारे द्वारा अभिनय असाधना कई बार हुई है। हम आपके इंगित को समझे नहीं भी समझे हैं। मैं आपसे और सभी साधु संतों से आज छोड़कर विनर भाव से खमत कामना करता हूँ। दे गुरु, ठीक है। एक सेकंड बाद दिल्ली पर हमारे जैन धर्म का एक कॉपीराइट त्यौहार जो विश्व में कहीं कहीं नहीं होता, ये इसके कारण ही हम जैन धर्मों की पूरे भारतवर्ष में अलग पहचान है। हमारा सामर्थ्य का, हमारी समृद्धि का कारण भी हमारा ये जैन धर्म है। मैं आज अपने आप को बहुत अनुग्रहित मानता हूँ कि दिल्ली से स्पेशली पहली बार यहाँ आकर के ये पर्युषण पर्व साथ दे सका। मैं बारंबार कामना करता हूँ और दिल्ली वासियों की ओर से, दिल्ली में प्रवासी सभी हमारे साधु साधियों की ओर से बारंबार खमत कामना करता हूँ। कल परम पूज्य गुरुदेव ने भगवती संवत्सरी के फरमाया तो इसका बैनर जो यहाँ पर मंच पर मदन लाल जी तातेड़, कन्हैया लाल जी पटावरी, सुमती जी गोठी, चांद रतन जी दुगढ़, सूरज करण जी दुगढ़, श्रीचंद जी दुगढ़, मनोहर जी गोखरू आदि ये मंच पर उपस्थित होकर के इस बैनर का अनावरण कराएं मंच पर गुरुदेव के समक्ष। और आप लोग ध्यान दे देंगे, आप लोग ध्यान दे दें, जिनकी गोचरी जिनकी गोचरी 17 तारीख को हुई थी, उनकी संवत्सरी को नहीं हुई, ये स्पष्ट है, वे गोचरी आज करा सकते हैं। 17 तारीख को जिनकी गोचरी थी वे गोचरी आज करा सकते हैं। आज कोई कार्यक्रम अब नहीं है, व्याख्यान प्रवचन रात्रि में दिन में कोई हमारा यहाँ कोई व्याख्यान आदि कोई कार्यक्रम नहीं है आज।
यह भगवती संवत्सरी का एक तरह से औपचारिक मानो वो लोकार्पण सा एक तरह का वो मोटा मोटी उपक्रम है, तो मैं थोड़ी देर कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। यह भगवती संवत्सरी जो वर्ष में एक बार आने वाला कार्यक्रम है, दिन है, और कितना धर्माराधना से और फिर यूँ खमत खामना से जुड़ा हुआ यह दिवस है। और पता नहीं कितने वर्षों से यह संवत्सरी भगवत संवत्सरी महापर्व पर्युषण का उपक्रम जैन शासन में चल रहा है, और यह आठ दिन या यह नौवां आज का दिन एक अच्छी आध्यात्मिक खुराक भी प्राप्त हो सकती है। और जो ये क्षमा और मैत्री एक बहुत बड़ी बात है कि आदमी किसी के साथ द्वेष विद्वेष आक्रोश वो भाव आ भी गया हो तो उसको आदमी समाप्त करने का प्रयास करे, क्योंकि परिवार में आप लोग साथ रहते हैं, परिवार में भी कभी कहा सुनी कोई बात को लेकर आपस में हो सकता है, आप व्यापार में आपके जो व्यावसायिक लोग हैं जिनके साथ लेन देन के संबंध है उनसे भी कभी कोई बात हो सकती है, या और जिनसे भी आप आपके मित्र हैं और हैं मिलते हैं साथ रहते हैं, समाज में भी संस्थाएं हैं, संस्थाओं में भी कभी कोई आपस में बात हो जाए, तो ऐसे पूरे वर्ष में कोई काम किसी के साथ पड़ सकता है। तो उस पढ़ने में एक तो सिद्धांत की बात है, दूसरी व्यवहार की बात है। अब सिद्धांत में तो नीतिगत जो निर्णय हो गया अब वो किसी को अनुकूल लगे न लगे, न्यायालय ने कोई फैसला दे दिया अब वो फैसला एक के अनुकूल पड़ा और एक के प्रतिकूल पड़ा, अब उसके लिए खमत खामना तो मान लो फिर भी कर लें, फैसले को तो बदलना कोई आसान बदले भी क्यों, फैसला तो नहीं भी बदला जाए वो तो एक नीतिगत बात है, परंतु आपस में कोई जो विद्वेष हो कि जैसे न्यायालय में दो पक्ष गए, पक्ष प्रतिपक्ष वादी प्रतिवादी गए, बहुत लंबे काल तक बहस हुई, आखिर फैसला आ गया, अब जिनके बारे में फैसला दिया गया है अब वे आपस में भी खमत खामना करके बात न की फैसला आ ही गया, फैसले के अनुसार चलना ही है, बाकी हमारा सब आपस का खमत खामना है। ऐसे कई बार आपस में काम पड़ सकते हैं, ससुराल वाले पियर वाले भाई भाई को लेकर, चाचा भतीजा को लेकर, बाप बेटे को आपस में न्यायालय में जाने की स्थितियां भी आ जाएं, न्यायालय में न जाना पड़े तो न जाना, जाना ही पड़ जाए तो कम से कम न्यायालय में झूठा आरोप किसी पर न लगाएं। न्यायालय में न्याय पाना है तो झूठा आरोप किसी पर लगा करके फालतू विद्वेष को तीखा या मजबूत नहीं करना चाहिए, अभी जो सही बात है वो न्यायालय में रखना तो एक तरह से नागरिक का अधिकार है, मेरा मेरे साथ अन्याय हुआ है हो रहा है मुझे न्याय मिले, न्याय की मांग करना तो मान ले नागरिक का अपना एक अधिकार है, परंतु जो बात है नहीं झूठी गवाही दे देना, झूठा आरोप लगा देना, किसी को फंसाने का प्रयास कर लेना, ऐसे व्यवहार से आपस में द्वेष की ग्रंथियां बहुत मजबूत हो सकती है। तो आज का यह यानी भगवती संवत्सरी का जो प्रसंग है इसमें ऐसे मौके पर एक तो झूठा आरोप तो किसी पर लगाना ही नहीं चाहिए, न्यायालय में जाना है कभी मैं धर्म पुस्तक की एक शपथ लेकर के बात करे और फिर झूठी बात अगर बोल दे तो बोल तो आत्मा के लिए भी ठीक नहीं है, व्यवहार में भी बढ़िया नहीं किसी पर झूठा आरोप लगाना, तो हमें अपने जीवन में किसी पर झूठा आरोप लगा करके बैर भाव को मजबूत नहीं बनाना चाहिए, बैर भाव पैदा नहीं करना चाहिए, कहीं कोई बोली चाली हो गई है अब न्यायालय में सही बात कही वो भी किसी को दोरी लग गई उसकी तो हाथ की बात नहीं, फिर भी ऐसे मौके पर किसी रूप में आपस में खमत खामना हो जाए तो हमारी आत्मा
पाप से कुछ बच सकती है। तो यह भगवती संवत्सरी का जो प्रसंग है, और हमारे धर्म संघ में भी कितनी केंद्रीय संस्थाएं हैं, कितनी स्थानीय संस्थाएं हैं, इतना बड़ा श्रावक समाज है, कभी साधु साधियों से भी कोई बात को लेकर श्रावक श्राविकाओं के मन में कोई बात आ जाए, आपने साधु साधियों और खमत कामना किया तो हम भी आपसे खमत कामना करते हैं, साधु साधियों की ओर से भी मान लें, कहीं कोई गोचरी में पानी में कोई बात में कोई प्रोग्राम सेट करने में और में कहीं कोई कोई कठोर शब्द कठोर बात कठोर निर्णय हो जाए तो वो भी आप सबसे साधु साधियों की ओर से भी खमत कामना है। और बढ़िया बात यह, हम यह प्रेरणा लें कि मेरा किसी से कटु बोलने का काम ज़्यादा पड़े ही नहीं, बोलना तो खैर काम पड़ सकता है, कटु के जो नहीं बोलना चाहिए उतना कटु बोलने का काम मेरा न पड़े। आप परिवार में रहते हो, परिवार में बच्चे भी हैं, माइत भी हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, तो परिवार में तीन पीढ़ियाँ और कहीं चार पीढ़ियाँ भी साथ में रहने वाली हो सकती है, तो बच्चों के प्रति भी कोई मान लो कठोर व्यवहार हो गया हो, बच्चों का माइतों के प्रति कठोर व्यवहार हो गया हो, असम्मान कर दिया हो, अवज्ञा कर दी हो, माइत हैं तो माइत पद में तो बड़े होते हैं, माइत पद में स्थान में बड़े हैं, तो बेटे बेटियां बहुएं आदि जो परिवार के लोग हैं वो किसी व्यवहार से माइतों को कुछ फट कुछ बोल दे, कुछ तेजी में बोल दे तो माइतों की भी कोई अवज्ञा हो सकती है, तो माइतों से भी खमत खामनी कोई माइतों की आसाधना हो गई हो, और माइतों के द्वारा मान लो कोई ज़्यादा ही डांटना उलाना कोई हो गया हो तो उसको लेकर माइत भी आपस में बच्चों आदि से खमत खामना कर लें, तो यह एक ऐसा दिन होता है कि परिवार में समरसता, पिछली बात हो गई हो उसके खमत खामना हो जाएं, तो पारिवारिक जीवन में भी समरसता रह सके, सामाजिक जीवन में समाज में संस्थाएँ हैं, कार्यकारिणी की मीटिंग होती है कभी और जनरल मीटिंग भी होती है, तो उसमें भी आपस में बात तो की जा सकती है कि यह बात कैसे, प्रश्न कोई पूछ ले जवाब भी दिए जाएं, यह तो मीटिंगों की ओर की विधियां हो सकती है, आपस में कटुता कहीं हो गई हो तो उसको लेकर के आपस में खमत खामना होना चाहिए। तो आज का जो दिन है, अभी तो प्रोग्राम की बात, फिर ये प्रैक्टिकल रूप में आज के जो संबंधी हैं परिवार के लोग हैं और भी आपके मित्र आदि आदि हैं, आप लोग कई बार दूर से लिखित पत्र भेज करके या आजकल व्हाट्सएप आदि से भी आप दूर से भी कई लोग खमत खामना करते होंगे, साक्षात मिलें तो वैसे मिलकर के भी खमत खामना किया जा सकता है, काम कुछ भी नहीं पड़ा तो भी औपचारिक रूप में भी खमत खामना कुछ हुआ हो तो यूँ यह आज का दिन है वो अब खमत खामना का दिन है, इसलिए न तो कोई प्रोग्राम अब हमने दिन में रखा है न रात में रखा, क्योंकि आज का दिन तो मिलने जुलने का यूँ खमत खामना करने का दिन होता है, तो यह आत्मशुद्धि की दृष्टि से पिछला सारा मेल जो विद्वेष का हो वो धो डालने का यह आज का प्रसंग आज का दिन होता है, तो यह खमत खामना का हमारे साधु साधियों साधी प्रमुखादि साधी वरिया आदि साधियाँ हैं, तो साधियों का भी भाइयों से और से ज़्यादा भाइयों से ज़्यादा उनका काम पड़ता होगा, भाइयों से भी कुछ काम बातचीत का पड़ जाए तो आप लोगों ने खमत खामना किया तो हम भी साध्वी प्रमुखादि साध्वी वरिया मुख्य मुनि आदि सभी चारित्रात्माओं की ओर से मैं उनकी ओर से आप सबसे खमत खामना कह रहा हूँ, और आप लोग भी साधु साधियों की जितना सेवा दर्शन सेवा कोई क्लास है गोष्ठी है ताकि कोई इतना बड़ा साध्वी समुदाय है इतने संत हैं तो जो भी तत्वज्ञान है ध्यान है और कोई क्लासेज है चलती भी हैं क्लासेज तो वो भी लाभ आप लेते रहें, इधर आप साधु साधियों को गोचरी पानी दवाई आदि से प्रतिलाभान्वित करके आप उनको एक साता सुविधा जो पहुंचाने का काम करते हैं वो भी काम अच्छा चलता रहे, और चिकित्सा की दृष्टि से भी कितने साधु साधियां समणियां बड़े शहरों में और में जाते हैं तो वो भी काम श्रावक श्राविका समाज डॉक्टरों से संपर्क कर उनकी सेवा है गोचरी पानी दवाई आदि जो भी कार्य हैं वो सेवा भी श्रावक श्राविका समाज की ओर से जो मिलती है, इन सारे संदर्भों में
कहीं कोई बोली चाली में कटुतापूर्ण व्यवहार हो जाए तो ऐसे प्रसंगों में हम ऐसे आज के जो यानी भगवती संवत्सरी से जुड़ा हुआ जो क्रम है उसमें हमारा कमत कामना हो जाए तो ये जो बैनर कदे वो जो मैंने देखा भगवती संवत्सरी महापर्व जैन परंपरा का महान पर्व भगवती संवत्सरी महापर्व है। ये जो भगवती संवत्सरी का पादार्पण हुआ और पधार भी वापिस भी पधार गई है, हम भगवती संवत्सरी के प्रति बहुत मंगल कामना करते हैं। यहाँ पधारी थी, हमको मौका मिला था, हमने आराधना करने का मौका दिया भगवती संवत्सरी ने और अब भगवती संवत्सरी को ऐसे तो विदाई चली गई, फिर हमारी एक कार्यक्रम के रूप में भी भगवती संवत्सरी को हमारी ओर से अब मंगल कामना के साथ विदाई है। अगले वर्ष की पुनः प्रतीक्षा हम करते रहें, पुनः भाद्रव महीने में पुनः भगवती संवत्सरी पधारें और हम भगवती संवत्सरी की अच्छी आराधना करके अपनी आत्मा की शुद्धि की ओर आगे बढ़ें। इन मंगल भावों के साथ पर्युषण सहित यानी भगवती संवत्सरी को हमारी मंगल भावों के साथ विदाई है। आगे के लिए पुनः पधारें इस प्रार्थना और भावना के साथ हम विदाई दी है। तो ये 8 दिनों का जो कार्यक्रम रहा है उसका प्रभाव आगे भी जो पूंजी हमने इकट्ठी की है वो पूंजी हमारे काम आए कि जो कहते हैं कि आगे क्या साथ चलेगा, ऐसी जो साधना हम करते हैं आशा करें वो निर्मलता हमारे साथ आगे भी जा सकेगी। तो धर्म की पूंजी इकट्ठी करनी चाहिए, धर्म का संग्रह करना चाहिए। तो 8 दिनों में कितनों ने कुछ पूंजी धर्म की कमाई है वो इकट्ठी की है और भी आगे अपने साधना के उपक्रमों के द्वारा हम धर्म की पूंजी इकट्ठी करती रहें और कहीं कोई दोष लग जाए उसकी आलोचना प्रायश्चित हमारा होता रहे। तो श्रावक श्राविका का जीवन है वो भी बहुत अच्छी बात है, श्रावक बन जाना श्राविका बन जाना। तो हमें यह धर्म संघ जैन शासन के अंतर्गत जो 13 पंथ शासन के रूप में मिला है इस धर्म संघ में रहकर हम साधना कर रहे हैं, हमारी आत्मा निर्मलता की ओर आगे बढ़ती रहे। परम पूज्य भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा को हमने बताने का प्रयास किया, कैसा उनका जीवन, हालांकि पूर्व भवों में उनकी अब संसार की आत्मा है, पाप भी हो जाए, आखिर प्रभु की आत्मा परिनिर्वाण को प्राप्त हो गई। तो हम भी भगवान महावीर से जुड़े हुए जैन शासन में हैं, भिक्षु स्वामी से जुड़े हुए जैन श्वेतांबर 13 पंथ शासन में हैं, तो हमारी भी आत्मा निर्मलता को प्राप्त करे ऐसा हम प्रयास करते रहें। तो यह भगवती संवत्सरी की आराधना का, पर्युषण की आराधना का हमें जो मौका मिला और हमारे मुख्य मुनि साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया और भी कितने चारित्रात्माओं का, कोई समणी का भी ऐसे जो बोलने का, प्रस्तुतियों का मौका मिला, श्रावक श्राविका समाज को तो कोई पर्युषणों में कोई मौका हमने भाषण सूचना आदि तो दी होगी या आज के प्रोग्राम में बोले, बाकी 8 दिनों में श्रावक श्राविका समाज को सुनने का तो हमें मौका यूँ वक्तव्य के रूप में नहीं मिला। हमारी चारित्रात्माओं समणी ने जो प्रयास किया है, जो निर्जरा का लाभ लिया है, तो हम सब खूब अच्छा विकास करते रहें। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल कलन स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्याकान। ओम भिक्षु जय भिक्षु, ओम भिक्षु जय भिक्षु, सभी आचार्य जय तुलसी, जय महाप्रज्ञ की।